ऐसा कहा जाता है कि तितलियों का जन्म परियों से होता है। जब वे पैदा होती हैं तो उनके पंख सफेद होते हैं, फिर परी उसके पंखों पर सभी प्रकार के डिजाइन बनाती है। इस परी को तितलियों में डिजाइन बनाने का काम मिला है। उसने जल्द ही तितली को एक अलग तरह की तितली में बदल दिया। तभी अचानक भोपू बोलने लगता है, जिसे सुनकर सारी परियां छिप जाती है। ये पिक्सी होलो के माध्यम से जा रही इंसानों की गाड़ी थी। टिंकरबेल टिंकर परी कार को देखकर उत्सुक थी। उसने अनियंत्रित रूप से उनका पीछा किया, जिससे वैरिया परी भयभीत हो गई, क्योंकि परियों को मनुष्यों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। टिंकरबेल ने कार के नीचे की ओर उड़ने के लिए सही समय देख वो कार की संरचना का अध्ययन करने लगी। वैरिया उसके पास आई और उसे यहाँ से चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन टिंकरबेल को जब तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक वो किसी परेशानी में ना फंस जाए। तभी छोटी लड़की को एक अलग तरह की तितली दिखती है। खैर, मुझे लगता है कि इस तरह से इसे परियों ने पेंट किया होगा। तितली इस तरह के पंखों के साथ पैदा होती है। जैसा कि आप जानते हो, परियां वास्तविक नहीं होती है। समझदार लोग परियों में विश्वास को काफी मूर्ख मानते हैं। रे को यकीन था कि परियां असल में होती है। उसने सावधानी से पेड़ के नीचे एक परी घर बनाया था और उसने उसे खूबसूरती से सजाया। दोनों परियों ने एक ही समय में घर को पाया। चलो चलते हैं, टिंकरबेल घर में चली गई। वैद्या ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहती थी। वैद्या ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। फिर छोटी